या इलाही आलमीन तेरे फजल से सरकार से तो तुफल में वो से पाके से तुफल में खुसूसी तौर पे गुजरब का दुआ को दुरे को से तुफल में हुजूर मुफ्तिया से कर तुफल में अली के मदा दिन का चंदन मुबारक जमा रहे हैं आमीन अब्दुल अजीज खान साहब की भी मालिक के मौला आज हमने ये संदल मालिक की रस्म अदा की है अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में इसको कबूल कर ले आमीन। या इलाह अलमीन हमसे कोई बेदबी खता कर हुई है तभी माफ़ फरमा आमीन। या इलाह अलमीन इन बुजुर्गों के सबको तुफल में हमारी जायज मुरादों में कामयाबी अता फरमा अल्लाह हमारी रोजी रोजगार में तरक्की अता मालिक के मौला हमको तमाम बीमारियों से बलाफत से महफूज या इलाह अलमीन इन बुजुर्गों के सबको तुफल में ए अल्लाह हमारे घरों में बरकतें दे हमें जो परेशान उसकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह हमें जो बीमार उसको शफाई पूरी नसीब कर अल्लाह हमें जो बेरोजगार उसकी रोजी में बरकतें दे या इलाह अलमीन हमें जो भी औलाद हम तो औलाद सालिहा जो औलाद वाले हैं उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना या अलमीन क़ियामत की सुबह तक इस आस्थाने को आबाद या अल्लाह क़ियामत तक या जो भी आएंगे जो भी दुआएं मांगेंगे उनकी दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह जो भी जायज मकसद लेके हाजिरी देगा उसके मकसद में कामयाबी अता फरमा अल्लाह हम तमाम को रूहानी ताकत तो कुव्वत अता फरमा अल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम में अमन व अमान नसीब फरमा मलिक मौला हम तमाम को नमाजी बना ले मक्का गाजी बना ले आरिफ बिल्ला बना ले अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा नफ्स के मकर से बचा हसीदों के हसद से बचा जालिमों के जुल्म से बचा इन बुजुर्गों के सबको तुफल में हमी साहब मुनीम अन्नम तालीम वालों के रास्ते पे चले चला बौसो खाजा का हमें दीवाना बना मलिक मौला हमको हम तमाम मलिक मौला इनके मोहब्बत पे जीने का शौक अता अल्लाह हजरत सूफी सरकार के आल औलाद को बाल बच्चों को भी अल्लाह क़ियामत की सुबह तक आबाद करे अल्लाह इनकी नस्ल से अल्लाह वालों को पैदा कर दे ताकि मेरे सरकार का निशान क़ियामत तक जारी रहे क़ियामत तक जारी रहे मलिक मौला इनके औलाद में इत्तेफाक इत्तेहाद भी नसीब फरमा अल्लाह इनमें जो परेशान की परेशानी को दूर कर दे इनके नेक इरादों में बरकत अता फरमा मलिक मौला इन बुजुर्ग के सदक़े में हमारे सब के मुरादों को पूरा कर दे ऐसे संदल हजारों जितना हमें नसीब कर दे अल्लाह हम सब की उम्र दराज कर दे अल्लाह हम तमाम को दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा अल्लाह हम जीएंगे इन बुजुर्गों के लिए मरेंगे नहीं अल्लाह हमें जज्बा अता फरमा الله تعالى في شان حبيبنا اللهم لا يكن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جميع المؤمنات المسلمات سبحان ربي تعالى عزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين कान करो मोहतरम जनाब अल्लामा याकूब अशरफी साहब तबला और दीगर सादात किराम मशात इज़ाम उलमा किराम सामने इज़ाम अजीज दोस्तों मोहतरमा बहन और प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्लाह का बड़ा फजल है जिसमें आज हमें अदम से वजूद में लाकर अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा और आज एक अल्लाह वाली की बारगाह में
इस जमा होने का मौका भी हमें नसीब किया। तो लिहाजा दोस्तों, मुझसे पेशर आपने अल्लामा साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सल मुतद्दर बयान सुन रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सच है, उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। अब आइए जिस आयत करीमा के ताल्लुक से, जिसे आज मैंने खुद जो बना लिया इशारे बारी है, फी अनफुसिकुम अफलातुस्सिरून, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूं, क्यों नहीं देखते। अल्लाह को बाहर नहीं देखना, अल्लाह को बाहर ढूंढने जाना नहीं, अल्लाह हमारे नफ्सों में छुपा है। फी अनफुसिकुम अफलातुस्सिरून, तो हमारे में अपने में अपने वजूद में अल्लाह को देखना है, यानी बाहर नहीं जाना। इंसान के वजूद में सब चीजें अल्लाह रखा है। पहली चीज जैसा वली कौन होता है, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ कि अल्लाह वाला होता है न खौफ ज़दा न गम ज़दा। वली को न खौफ होता है न गम। तो इंसान में खौफ भी है गम भी है, यानी तो ये खौफ निकालना, ये गम निकालना, बुजदिल बन को नहीं जीना, डरपोक बन को नहीं जीना, गमजदा बन को नहीं जीना। क्यों? हम उम्मत मुहम्मदी हैं, हमें औसे हाजन के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह वाले के चाहने वाले हैं, है ना, ख्वाजा साहब के चाहने वाले, औलिया किराम के चाहने वाले हैं। अल्लाह नबी के सदके वली को वो ताकत देता है कि वो ठोकर में मुर्दे को जिंदा करता है। तो इतनी ताकत रखने वाला फिर डरवा क्यों, डर को क्यों जी रहा है? डरना नहीं, डर निकाल। डर कहां है इंसान में? डर कब आता ये सोचना, डर कहां है? छोटी छोटी बातें टाइम नहीं इशारे में। असबाबे खौफ के ख्याल से डर पैदा होता, असबाब सोच सोच, असबाबे खौफ के, खौफ के सोच से, खौफ के असबाब से क्या होता? असबाबे खौफ के ख्याल से खौफ आता, ख्याल से जाता। सांप को देखा नहीं, सुनिया आया था, आया था कहते डर हुआ, आया उसको देखा नहीं, आने के ख्याल ने डर दिला दिया। तो खौफ कब आता? अजबाब खौफ के ख्याल से खौफ आता, खौफ आया, डर रहा है, मरिया नहीं, मरने को डर रहा है, जंगल में कभी लूटा नहीं, अंधेरे को देखो डर रहा है, डरा के नहीं डर रहा, कैसे करके जिंदगी, मौत को डर रहा, जान को डर रहा, साये को डर रहा, सांप को डर रहा, बिच्छू को डर रहा, ऑफिसर को डर रहा, ये सब डर रहा, कहीं को कब तक डरेगा? शैतान को डर रहा, जिन को डर रहा, जादू को डर रहा, ऑफिसर को डर रहा, अरे कब तक डरेगा? ये डर निकालना होगा। ये डर कौन निकालेगा? ये डर निकालने के लिए क्या करना होगा? गम, गम भी निकालना, गम का बाता, डर का बाता मालूम हुआ, अजबाते खौफ के ख्याल से डर आता, रंग का बाता, ख्वाहिशात मफकूल होने से, ये इंसान के ख्वाहिश अरमान इरादे नाकाम हो गए तो हम आया, हम पैदा होने के अजबाव ख्वाहिशात मफकूल हो गए, डिसअपॉइंट हो गया, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, ऐसा कैसा हुआ? रंग आया, तो रंग का बाता ख्वाहिशात की तकमील नहीं होने से, और डर का बाता अजबाब खौफ के ख्याल से। ये दो चीजें, डर रहा है, डर रहा भी गम भी आ रहा है, ये दो चीजों से नहीं डरना होने। छोटा बच्चा सो रहा है, जागा तो डर रहा है, उसके पास की माँ या बाप बोल दे डर लो बेटा मैं तेरे साथ हूं, तो जब वो सोचता मेरे बाप है लेकर तो मस्त सोता, माँ है तो सोता, बच्चे को डर गया, कब गया? जब उसे बाप का यकीन हो गया, माँ का यकीन हो गया कि कोई ना मेरा भी साथ है, तो डर चला गया। तो सीधा दोस्तों, जब अल्लाह हमारी जान में है फिर डरना क्यों है? जंगल में जा रहा है, राइफल बंदूक पिस्तौल है, डरना नहीं, क्यों नहीं डर रहा है? क्या करूं हजरत, चोर आया तो बंदूक से उड़ाऊंगा, शेर आया तो बंदूक से उड़ाऊंगा, एक मामूली लोहे का टुकड़ा मेटीरियल, आफ्टर ऑल एक बंदूक तेरे पास रहा तो तू निडर,
डरना नहीं, मुकाबला करता हूँ करा, एक मामूली बंदूक तुझे बेखौफ कर दिया, फिर तेरी सांस में अल्लाह है, तेरी जान में अल्लाह है, अल्लाह हमारे साथ है, नहन आखर, अल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब है, वहुआ माकुम, खुद भी यद भी है, मैयत भी है, एहतासियत भी है, जाहिरियत भी है, बातिनियत भी है, अल्लाह जाहिर में भी हमारे साथ है, बातिन में भी हमारे साथ है, अव्वलियत भी है, आखिरियत भी है, फसलो वजूहुल्लाह, जिधर देखो वो नीच है, फिर डर रहा है क्यों? डरता कौन? जो अल्लाह का यकीन नहीं रखा, सुने बंदों के यकीन से डर गए, आखिर अल्लाह का आया तो अल्लाह जालिम नहीं, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह नसीर है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह वकील है, फिर अल्लाह बोला मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, फिर अल्लाह को भरोसा नहीं, सो तुझे डर, मुझे क्या डर ले, मेरे साथ अल्लाह है का डर जाता, डर कम जाता, अल्लाह का यकीन आ गया तो है नहीं, तो हमारे पास अल्लाह का यकीन नहीं होने से डर रही, सो हमें डर न को मौत कोई भी डर न को क्या करना, हुजूर बोली मरने के आगे मर, कैसा मरना, वो खानखा में आना, बुजुर्गा हमारे सरकार सूफी अब्दुल अजीज खान साहब फिदवी है ना रजी अल्लाह सरकार ने हमना बताया, देख बा मरने से पहले कैसा मरना, मरना कहते देखो कैसा मरना क्या पढ़ना, पढ़ने से मरता नहीं, गुजरा है कनेक्शन, जरा कनेक्शन लिया तो इन्हें जरा काली हो गया तो इन्हें खुल जाता, इन्हें खुल गया तो इतना क्या रे मौत गया, खाब में भी भाग रहा है कि नहीं, लाश शांत पड़ी चल रहा भाग रहा है, फिर सोया सो कौन, दौड़ रहा सो कौन, अरे मैं तो हजरत मैं छू मैं जा रू, फिर सोया सुने कौन, तेरे बाजू भी बैठ गया तेरे खाद में, उसे मालूम नहीं तो उसके खाद में गया, कौन गया कौन गया है, एक खाद को समझ लेके गया या नहीं गया, हाथों को निकले या नहीं निकले, खाद में डरिया उठ को बैठा क्या नहीं करा, उठ को देखा तो वहीश नहीं, खाब में जो डरा सो जो ऊपर में दिख रहा है नहीं, फिर खाब में कौन डराया, फिर थूके के होश में डरा तो डराया ले, फिर खाब में कहीं को डर रहा है, जब क्या की है वहां खाब में भी मैं छू यहां भी मैं छू, वहां डरू या नहीं डरू, ये तक
नींद में भी मौत में फर्क, नींद में भी मौत में क्या रे फर्क, नींद लगी थी भी कौन की क्या की, कौन जरूर की, कौन बच्चा की, क्या आस्ती की, क्या हम क्या खोल रहे तो सबकी फिकी, आंख लगी तो कौन कहा की, खुले तो नहीं क्या बा नेगेटिव पॉजिटिव बिया तो लाइटिंग करंट कब दही नेगेटिव पॉजिटिव दो मिले तो करंट नहीं क्या बा ये भी वैसा छा ला इलाहा नेगेटिव नफी ला मैं नहीं इला ये कायनात भी नहीं ये मखलूक भी नहीं ना मैं हूं ना कोई और है ला इलाहा ये नेगेटिव इल्लल्लाह अल्लाह है ये पॉजिटिव ला इलाहा नफी नेगेटिव इल्लल्लाह पॉजिटिव इस बात नेगेटिव पॉजिटिव दो भी मिले तो करंट लाइट उजाला रोशनी तो ला इलाहा इल्लल्लाह फना हो जा जब नफी इस बात मिलेंगे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नजर आएगा लाइट नजर आएगी उस लाइट को देखना चाहता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कन्ने घुस जा सुभान अल्लाह कि तेरे में कौन बोल रहा है कौन देख रहा है कौन सुन रहा है तेरे में कौन मरता कौन रहा मरता सो बैठे बैठे गए हजरत गए कहता है आज बैठ को कहां गए अटैक आया निकल गई क्या चीज गई दिखी क्या फिर बैठ को है अरे हजरत गए करा दूसरा पूछता कहां गए वो शक्ल वो दाढ़ी वो संज्ञा हजरत बैठ को छे गई करेगा क्या देर को गए गए बा वो गया सुन तुमने दिखा क्या फिर जब गया वो दिखा नहीं फिर तुम बोल रही गए फिर है किसे बोल रहा है वो चिन्ह वो संख्या वो छाता वो पावर मेरी सूरत देखो है करा है कर बोल रहा सूरत देखो मेरा मैं जो है उसे तू देखा क्या फिर वो अंदर का चला गया रू चली गई भी जान गई हजरत गए कहता वो आए सो भी तू देखा नहीं गया सो भी देखा नहीं गए हजरत कहता हजरत गए निका था खादर बादशाह गया अगर नहीं बोल रहे हजरत गए क्या रहे इन लोगों तो क्या बोलते हजरत को कब उठाती इंगत नहीं बोलते मैयत कब उठाती इंगत अरे वो छाता वो पावर कितने नामा बदल रही बा बैठे को हजरत के अंदर ही चलेगी तो कब्बा उठाने का मैयत को कहते नहीं फिर मैयत किसे बोल रही हजरत किसे बोल रही क्या देख को इन्हें हजरत था क्या देख को इन्हें मैयत हुआ बोलते नहीं क्या वाह मैयत मैयत बोलते नहीं क्या जी क्या देख को मैयत जान नहीं तो हजरत कहता फिर क्या देख को बोला जान को देखा क्या नहीं देखा नहीं हजरत क्यों बोला है फिर तुझे अंदर वाला दिखा नहीं हजरत क्यों अंदर वाला चले गया फिर मैयत क्यों मेरी बीवी बच्चों को मुझसे प्यार है चलेगी अंदर की रूह लग जाओ हमारे खलीफे संदीप साहब बोले हमारी बीवी तुम हजरत से बहुत मोहब्बत नामा एक आरती रख ले भेजो कहीं क्या बोलते हमारे जुड़े बच्चे हजरत पहले लग जाओ कभी फिर वो छाता वो सूरत वो सब भी है फिर इतनी मोहब्बत करने वाली मेरी बीवी मेरे बच्चे कई को बोल रही अर्जेंट लग जाओ करें वो क्या वास्ते लग जाओ करें जो चीज उनको होना था वो नहीं है जिससे उनको उससे मोहब्बत कर रहे थे ये गोश हाथ चमड़ी हड्डे से मोहब्बत नहीं कर रहे थे मेरे अंदर जो ज्ञान है उसी मोहब्बत कर रहे थे मालूम क्या हुआ ये जिस्म की इज्जत ये गोश हड्डी चमड़े की इज्जत किससे है अंदर की जान से जान है तो इज्जत है जान नहीं इसकी भी इज्जत ही नहीं क्या बोला तो क्या क्या चपटा तो क्या 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 वो है तो किसने क्या बा वो गया तो क्या भी नहीं तो कौन गया कौन आया कौन जा रहा है कौन आ रहा है
कैसा मरना, रोज मरता नहीं आदमी, एक बार मरा देता क्या पता। मरने के आगे जरा मरना सीख लो, बुद्धि बन को नको जियो। उम्मत मोहम्मद ही है, वैसे पाक के चलने वाले ही सूफी सरकार के आशिक हैं, दुरेश बाबा के हमें गुलामा है। कई को डरेंगे यार हम, मौत को डरते नहीं, मौत आई तो भी फरिश्ता पहले जाकर हमारे पीर को पूछता है, तुम्हारे मुरीद को मैं ले जाने का मुझे ऑर्डर आया, क्या करूंगा। तो पीर क्या बोलती, न तो आदमी जो रहती धरिंदे वो नहीं उसी तरह कामा करने के है, भूत में मेरे मुरीदा में कौन तो ऐसा वैसा रहा तो उसके खोटा इसे दे उसे ले जा। समझेगा फिर उन्हें खा रहा है पी रहा है मर रहा है, उन्हें मरा तो अफसोस नहीं, उसे क्या भी दिन को फायदा नहीं था, मरा क्या मरा क्या। फिर काम आदमी खाको पीको बिल्डिंग बनको मर गया हजरत ने मरे आजान देने से क्या फायदा था, क्या दिन को फायदा था क्या कौन को फायदा था, उन्हें रहा तो क्या उन्हें गया तो क्या। अफसोस उसका करेंगे जो दीन की फिक्र कर रहा था, नहीं की फिक्र कर रहा था, कौन की फिक्र कर रहा था, उन मरा तो उसके पीछे फाजा पड़ेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। तो लिहाजा दोस्तों हम बड़े खुश नसीब हैं, काश का दिन भी हम ना हजरत सूफी सरकार को उस देखना नसीब किया, खुश नसीब हूं हम इंशाअल्लाह ताला हमारे दूसरे आमाल को उतना गारंटी में बख्शे जाते हैं, तो कितना दिखावा की कितना शो की, मगर आज जो हम यही नहीं है घर नारा छोड़ कर यही नहीं, कहीं के वास्ते दौलत के वास्ते नहीं आए, हुकूमत के वास्ते नहीं आए, सिर्फ हजरत की मोहब्बत के वास्ते आए, सूफी सरकार की मोहब्बत के वास्ते मिट्टी दूर आए हैं। तो हुजूर ने क्या कहा, जिसके दिल में दिल से मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम हमारे दिल में हजरत की मोहब्बत है सूफी साहब की, तो क़यामत के दिन भी हम उनके साथ रहेंगे। दोस्तों ये हमें जो आए हैं बड़ी नसीब है, ये भी याद रखो कोई भी किसी वली के पास डायरेक्ट नहीं जाता। हदीस है, आखिरी बार टाइम कम है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई बंदा अल्लाह ही के लिए अल्लाह के खातिर मोहब्बत करा तो अल्लाह जिब्रील को बुला को बोलता, क्या कि फला बंदा मेरे वास्ते मोहब्बत कर रहा है, दौलत के लिए नहीं जन्नत के लिए नहीं, मेरे वास्ते मेरी मोहब्बत कर रहा है, मैं भी उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम्हें भी जाको फरिश्तों के पूरे आलम में ऐलान करो आसमान में कि तुम्हें भी उससे मोहब्बत करो जिससे अल्लाह कर रहा है। बर्दाश्त नहीं जिब्रील, दुनिया में जाओ, जमीन पर जाओ, धरती पर जाओ, मेरा महबूब बंदा जंगल में की पहाड़ में की करहल में की जंगल में की कार के बैठ को होता है, मेरे बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल लो। तो वली की बागा में हर आईरा गईरा नथुरा नहीं आता, अल्लाह हर एक को अपने महबूब बंदे के पास नहीं भेजता, भेजता उसी को है जिसे अल्लाह चाहता है। आज जो हम एक वली की बागा में आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए मियां, अल्लाह हमें तौफीक देने से आए, अल्लाह हिदायत देने से आए। क्यों, कौन किसी के पास जाता है तो खाली नहीं जाता है, जब भेजने वाला भेज आए बुलाने वाला बुलाया है तो क्या खाली भेजता क्या। तो देने के लिए बुलाया, दिलाने के लिए भेजा, अल्लाह दिलाने के लिए भेजा और वली देने के लिए बुलाया, है ना। हम क्या क्या मकसद ले को इनकी, इंशाअल्लाह नबी के सत्ते गौसो ख्वाजा के सत्ते हमारे हजरत के सत्ते में इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। एक मिनट, और हजरत जो हुदपति की बात बोले उसका एक नजर में खुलासा, कोई हमारे पास कोई आता है दूसरे का मुरीद, हजरत दुआ करो मुझे कहता हमारा मुरीद नहीं दूसरे का, तब ये दुआ डायरेक्ट नहीं करना, क्यों उसका खोटा उसके पीर के पास रिजल्ट है, तो हमें क्या करना, अरे अल्लाह दिल में इसके पीर के सदके इन्हें क्या चारा जी पूरा कर खाना, चावल का खोटा तुम ना डीसी पास करा, तुम्हारा कौन सा एरिया है कि वो वार्ड में दे तो सोसाइटी में चावल मिलती, दिया सो डीसी ले
तेरा वार्ड अलग है, तेरा डोर अलग है, ए, क्या सा तेरा कार्ड दिया है डीसी, तू देगा तो नहीं रही तेरा रिजर्व फला वार्ड नंबर में, फला सोसाइटी में तेरा खाता है, वहां जाकर लेकर था दिया सो डीसी है, मगर टुकड़े कर तो फिक्स कर दिया सो है। तो इसी तरह हर आदमी का भी खोटा है, तो मुरीद खादरी का है तो खादरी खोटे में चला जा, चिश्ती का है चिश्ती खोटे में चला जा, तुझे मिले वही जहां तेरा फिक्स है, मगर दूसरा पी डायरेक्ट तुझे नहीं देगा, दिल में दुआ करेगा अल्लाह इसके पीर के सदके में इन्हें क्या चाहता कि पूरा करे। नहीं जाता तो हमने सब भी हजरत सूफी साहब क़िबला के उर्स पे तशरीफ लाए हैं, तो इंशाल्लाह सरकार उनकी मर्जी है कितना देती की कितना दिलाती की, क्यों वो इतना देती कि हमारे मांगने से भी ज्यादा देने तैयार है, मगर हमें लेने की जरूरत है, क्यों अल्लाह उनको उनके हयात जिस्मानी में वो पावर दिया था, 25 साल जंगल में हम बैठ को या मेरे महबूब उदी खिलाई नहीं पानी पिलाई नहीं डोरी डाली नहीं है नहीं, कैसे कैसे बीमारे हजरत की दुआ से गई नहीं, कैसे कैसे बनाए हजरत की दुआ से भागे नहीं, लंगड़ा चलिया अंधा देखा रूंगा बोला बहरा सुनिया हजरत की दुआ से करी नहीं, 25 साल अल्लाह उनसे खिदमत लिया खाली मेरा मेरे महबूब सब शफा बीमारी शफा सब शफा, जब ऊपर सब शफा हो रहा है तो क्या अंदर नहीं क्या मेरे सरकार, अब तो अभी पावर बढ़ गया है, अभी पावर बढ़ गया है, तुम जैसी नियत लेके आओगे वैसा मेरा महबूब नवाजेगा, है ना। तो दोस्तों अब वक्त का तकाजा क्योंकि 12 बज रहे हैं, अब हमें मुख्तसर सा सलाम भी पढ़ेंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह संदल की तैयारी होगी, 12:25 को संदल मुबारक मजार अनवर पे चढ़ाया जाएगा। अब राय ये है कि अभी हमारे तकीब को टाइम कम था, किसी को तृष्णगी है, किसी को अगर हमारे बयान को लेने का इरादा हो रहा है तो हमारे कैसे तालाको है बच्चा हमारा मुरीद बम्बई के मद्रास के गोवा के क्या बात हैदराबाद के बड़े बड़े सिटी के, सब भी बयान हम ऐसा करो नहीं, उसके डीवीडी भी आपको है, वो डीवीडी भी लेको तुम्हें भी सुनो तुम्हारे घर वाले सुनो, अगर वो भी नहीं खरीदना चाहे तो हमारा वेबसाइट है हमारा इंटरनेट पे www फैजाने मारिफत के नाम से हमारा वेबसाइट है, फैजाने मारिफत तुम्हें खोल कर देखो तो नेट पे हमारे पूरे बयान तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि दुश्मनान रसूल मीडिया के जरिए रसूल पर औलिया पर हमले कर रहे हैं, तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मीडिया का जवाब मीडिया से दिया जाए, कि मैं बंद कमरे जुम्मा में बयान करूंगा तो दुश्मनान रसूल मीडिया पर हमले कर रहे हैं, लिहाजा हमने भी मीडिया को ले लिया है, वेबसाइट हमारा है, तो फैजाने मारिफत का वेबसाइट खोल लेकर हमारे तखीरा भी सुन सकते हैं, तखीरा भी ले सकते हैं। दोस्तों बुजुर्गों बस इन चंद मुख्तसर सी तबीयत के लिए मतलब खत्म है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुख्तसर चंद अशआर सलाम पढ़ो 12 बजे या